आज बेंगलुरु के गोशा हॉस्पिटल में मुक्ता काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। ये इफ्तिताह हुकूमत के तरफ से है और सेहत नामी एक तंजीम के साथ मिलकर पूरे रियासत में मुक्ता काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये अस्पतालों में ये सेंटर होता है और यहाँ पे जो ख्वातीन आती हैं इन लोगों के साथ जो मुजालिम होते हैं उस ताल्लुक़ से इन्हें अवेयरनेस करने और इन्हें कानूनी मदद देने और हर तरह की सहूलियात फराहम करने की एक कोशिश हुकूमत की तरफ से की जा रही है। उसी की पहली कड़ी आज गोशा हॉस्पिटल में हुई और यहाँ उसका इफ्तिताह उसके जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने किया। आज अभी ये जो इनॉग्रेट हुआ है ये हमने महिलाओं के लिए जो कि विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर कोई वायलेंस के इश्यूज आए हैं, सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, घर में भी जो प्रॉब्लम होती है, हिंसा होती है महिलाओं के ऊपर, उसके बारे में काफ़ी सोचने के बाद हम लोगों ने कई जगह पे अब ये सेंटर बनाए हैं जहाँ पे महिलाएं आकर अपना बता सकते हैं कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं और उनको काउंसलिंग भी होगी और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा। और ये सेंटर्स हम पूरा अभी तो सिर्फ 5 जगह शुरू किए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है सेहत करके, सेहत के साथ हमने एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद हम ये बाकी पूरे राज्य में करेंगे, लेकिन ये सेहत के साथ अभी स्टार्ट किया है। और अपना हम सरकार की तरफ से भी हम चाहते हैं कि हम हर एटलीस्ट तालुका लेवल तक तो करना है धीरे धीरे करके, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, अभी तो ये 5 ही में स्टार्ट किया है। इसके अलावा आपको मालूम होगा 1-stop सेंटर्स तो हैं, वो हर ज़िले में हैं, उसी तरह से हम तालुका लेवल पे भी कुछ सेंटर्स खोलेंगे। 5 अभी जो हैं यहाँ KC जनरल में है, एक बोरिंग में है, घोषा में तो है ही, जयनगर में है और एक चिकबल्लापुर में। लेडीज़ के इशू मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मालूम ही है लेडीज़ का, देखिए 2 तरह के इशूज़ होते हैं, एक तो घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस हमारे घरों में भी बहुत है, तो कई बार महिलाएं लेडीज़ इतना बताती नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बताना चाहिए और थोड़ा आके काउंसलिंग लेना चाहिए। ये नहीं हम कहते कि आप घर में जाके घर की शांति को तोड़ो, लेकिन घर में शांतिपूर्वक रहना चाहिए, उसके लिए उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करना है, सो सहकार होना चाहिए उनका भी, तो एक तो ये है। दूसरा आपको मालूम है कि घर के बाहर भी कितना वायलेंस हो रहा है आजकल, महिलाओं के ऊपर कितनी हिंसा हो रही है, उनको सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत हो रही है, तो इस तरह के केसेस तो हम पेपर में, आप प्रेस वाले लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, कितना मीडिया में आप लिखते हैं इसके बारे में, तो वो भी बहुत आते हैं, उनको सबको काउंसलिंग भी चाहिए। होता क्या है कि ये लेडीज़ को एक साइड से तो वो इस तरह से उनको प्रॉब्लम है, कष्ट है, दूसरी तरफ से उनको काउंसलिंग नहीं है, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन में हम अपने आप को कम से कम कैसे कष्ट में लाएं और इसको ज़्यादा सही तरीके से हम कैसे इसको हैंडल कर पाएं, थोड़ा आत्मविश्वास भी चाहिए, सो ये सब चीज़ों के लिए इस तरह के सेंटर स्टार्ट किए हैं। ये मुक्ता प्रोग्राम है जो औरतों के ऊपर मुजालिम हो रहे हैं उसके वास्ते ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है कि हर हॉस्पिटल में, यानी जहाँ पे ख्वातीन का इलाज हो सकता है उन तमाम हॉस्पिटल्स में एक एक इनका सेंटर कायम कर रहे हैं, तो जहाँ से ख्वातीन को सुकून और इत्मीनान के लिए यहाँ पे जो भी काम कर सकते हैं ये करना चाह रहे हैं। तो गोशा हॉस्पिटल की तरफ से आसरा को इन्वाइट किया गया
कि यहाँ पे आकर काउंसलिंग करें और यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट्स, ये जो भी जितने भी हरासमेंट्स हो रहे हैं औरतों के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों को काम करना है बोलकर यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। बिकॉज़ हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वातीन आते हैं, और वो भी ये जो ओशा हॉस्पिटल है, मेटर्निटी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आपको तो पता है कि ख्वातीन के ऊपर किस तरह से मुजालिम होते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट औरत हो, चाहे बच्चे को जन्म देने के बाद हो, और ख़ासकर बेटियों के पैदा होने के बाद भी अक्सर माओं के साथ बुरा सलूक होता है।